आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जी हम भी ठीक हैं। हर घर में रमज़ान की जो है वो बहुत ही हलचल होगी इबादत के साथ, और इन इबादत में एक दुआ को रोज़ डेली बेसिस पे शामिल कर लें कि अल्लाह ताला हमें इस कोरोना से जल्द निजात दिलाए। आमीन सुम्मा आमीन। चलें स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ दही बड़े, और इसमें बहुत सारी चीज़ें वही हैं जो मैं पहले से बना के रख चुकी थी घर में और मैंने आपको बताई भी थी। इसके यहाँ पे दही लिया मैंने, ये है 2 बोल बड़े वाले भर के, और साथ दूध और पानी मिक्स करके मैंने यहाँ रखा है। और ये इमली की चटनी जो है मैंने घर पे बनाई थी जो, और इसकी रेसिपी भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, बहुत ही मज़े की बनी थी। और यहाँ पे ये फुलकियाँ भी जो मैंने बना के फ्रीज कर ली थी, ये मैंने बड़ी वाली थोड़ी सी, ये बूंदी और ये उससे बड़ी लंबी वाली। यहाँ 1 बोल चने के लिए, ये भी मैंने बॉईल करके रखे थे, उसमें से मैंने निकाल लिए। और यहाँ पे मैंने 1 ही बोल लिया है आलू उबाले। यहाँ पे हरी चटनी बनाई है, ये भी चटनी मैंने फ्रीज़ की थी, 1 क्यूब निकाला मैंने दही में डाला और ये मैंने चटनी बना ली। यहाँ पे ये प्याज है, ज़रूरत के मुताबिक डाल लेंगे, हम ज़रा ज़्यादा खाते हैं तो मैं थोड़ी ज़्यादा डाल लूँगी। यहाँ पे ये सब्ज़ धनिया है, यहाँ पे 1 टमाटर है बड़े साइज़ का, ये जो है 2 टीस्पून भर के जो है चाट मसाला है, ये भी थोड़ा सा बाद में डालूंगी, और थोड़ा सा अभी। ये मैंने लिया है इसमें ज़ीरा साबुत वाला और थोड़ा सा क्रश वाला। ये ली है चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून भर के, 3 सब्ज़ मिर्ची हैं, 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट है, क्योंकि बाकी चीज़ों में भी सॉल्ट है तो इसलिए मैंने इतना लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको यहाँ पे मिक्स कर लूँगी, इसमें दूध और ये पानी जो है वो ऐड कर लूँगी। ये सॉल्ट किया, ये चिली फ्लेक्स गया, ये क्रश और पाउडर वाला ज़ीरा, ये चाट मसाला थोड़ा सा रख लूँगी, इसको पहले मिक्स करूँगी बाद में बाकी चीज़ें ऐड करती हूँ। आप इस स्टाइल से बनाएंगे बिल्कुल ये लगेंगे रेड़ी वाले दही भल्ले आप खा रहे हैं, बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत चटपटे। प्याज़ों का टमाटरों का बहुत सारे लोग ये वाली चीज़ें डालते नहीं हैं, लेकिन मैं जब भी बनाती हूँ हमेशा मेरी रेसिपी में ये सब कुछ होता है, वरना मुझे तो हमारे घर वालों को भी और मुझे भी ये अच्छे नहीं लगते वरना इसके बगैर। ये सब्ज़ मिर्चें भी गई इसमें। ये दही हमारा तैयार हो गया। यहाँ पे ये बोल एक और लूँगी, दही को रख लूँगी यहाँ पे, जो थोड़े बड़े हैं उनको मैं तोड़ लूँगी। मैंने पानी में बिल्कुल भी नहीं भिगोती हूँ, ये खुद ही जब तक हमने इफ्तारी करनी है तो ये बड़े अच्छे से खुल जाते हैं। ये चने गए इसमें, आलू प्याज और ये गए टमाटर। सारे मिक्स हो गए हैं, कितने अच्छे ये बन गए हैं, चटपटे स्पाइसी, कितने मज़े के लग रहे हैं, बिल्कुल जो आप बाज़ार में खाते हैं ये उसी टेस्ट के बनेंगे। चलो मैं अभी इसको सेट करके फिर आपको दिखाती हूँ आगे मैंने क्या करना है इसके साथ। ये देखिए, ये जो इमली की चटनी मैंने बना के रखी थी मैं अभी निकाल लूँगी जितनी मुझे ज़रूरत होगी, बाकी इसी तरह ही बंद करके रख दें, ये आपके बहुत काम आती है, पहले बना लेंगे तो बड़ा फ़ायदा होता है इसका। मैं थोड़ी सी देखिए हमारे बन के तैयार हो गए हैं, ये अब इफ्तारी के बाद ही हम खा के बता सकते हैं कैसे बने, देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। हम इसको हमेशा कहते हैं रेड़ी वाले दही भल्ले। आप लोग भी इस रेसिपी को इसी तरह ट्राई कीजिएगा। एक अच्छी बात के साथ इधर ही एंड करते हैं। रोज़ेदार के लिए दरियाई मछलियाँ तक दुआ मगफरत करती हैं और अफ्तार के वक्त तक करती रहती हैं। अल्लाह हाफिज़।